मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदन अपनी पत्नी फुलवा के साथ रहा करता था। चंदन एक साधारण और जिम्मेदार आदमी था। वैसे तो चंदन दिहाड़ी मजदूर था, हमेशा मेहनत और लगन से काम किया करता था। उसके साथ ही मंगलू और गणेश हमेशा उसका मजाक बनाया करते थे। अरे चंदन, कहाँ जा रहे हो? आज बहुत काम किया है तुमने, अपने किए हुए का फल तो लेकर जाओ। चंदन देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस टोकरी के नीचे केक रखा है, इसे ले लो। अरे वाह, ये तो वही केक है ना जो लोग अपने अपने जन्मदिन पर या खास अवसर पर काट कर जश्न मनाया करते हैं। लाओ लाओ, मुझे भी दे दो। जैसे ही चंदन उस टोकरी को उठाता है, या मेढक, मम्मी बचाओ। देखा कैसे बेवकूफ बन गया, हमेशा ही हमारे चंगुल में फंस जाता है। ये तो है ही बुद्धू, चलो हम अपना काम करते हैं। हमेशा ही चंदन के साथ सब ऐसा ही करते थे। यहाँ चंदन कहाँ रहता है भाई? कौन चंदन? हमारे गांव में बस एक ही चंदन है, लेकिन वो तुम्हारे किस काम का? बताओ तो, चंदन कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम करवाना है, अगर वो कर देगा तो समझो माला माल हो जाएगा। लगता है ये भी कोई बेवकूफ है और चंदन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। क्या सोच रहे हो भाई, बता दो। वो दरअसल चंदन बाहर गया है, तुम मुझे बताओ क्या काम है, मैं सारा काम पूरा कर दूंगा, चंदन मेरा ही दोस्त है। वो क्या है कि चंदन को मुझे एक बड़ी सी पुल बनाने के लिए ठेका देना था, और वो है कि गांव के बाहर घूम रहा है, क्या कहें। मैं और मेरा दोस्त भी मजदूरी करते हैं, हम चंदन से कम पैसों में भी आपको अच्छी मजबूत और टिकाऊ पुल बना कर देंगे, आप कहिए तो सही। दोनों बात कर ही रहे थे कि चंदन वहाँ आ गया। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं हूँ चंदन। हाँ सही कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपके पुराने मालिक शिवम जी ने यहाँ भेजा है। शिवम जी का मैं शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा। कहिए क्या बात हो गई? काम की बात यह है कि मुझे तुमसे एक बड़ा सा पुल बनवाना है जिससे लोग आ जा सकें। ये पुल इस गांव के ठीक सामने वाले तालाब के पास बनवाना है। मजबूत और टिकाऊ पुल होना चाहिए जिससे गांव वालों को आने जाने में आसानी हो। मैं इसी का ठेका लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ये काम मेहनत और लगन से करूँगा ताकि मुझे आपसे आगे भी काम मिलता रहे। तुम उसकी चिंता मत करो, इस पुल का ठेका अंग्रेजों ने दिया है और तुम्हें तो पता ही है कि अंग्रेज पैसे ज्यादा देते हैं। उस आदमी ने चंदन को पुल बनाने का ठेका दे दिया। उस वक्त ये सब मंगलू देख रहा था। ये सारी बातें जाकर वो गणेश को बताता है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसे पुल बना लेने, उसके बाद उस पुल पर हम बिजली दौड़ा देंगे। मैं कुछ समझा नहीं, बिजली दौड़ा देंगे मतलब? तुम बस खेल देखना, धीरे धीरे मजा आने वाला है। चंदन उस जगह जी जान से पुल बनाने का काम शुरू कर देता है। चंदन दिन रात मेहनत करके आधे से ज्यादा पुल बना देता है। मंगलू और गणेश उससे मिलने के लिए जाते हैं। क्यों भाई, कड़ी मेहनत कर रहे हो, आजकल गांव की तरफ ज्यादा दिखाई नहीं देते। तुम्हें तो पता ही है आखिर ये पुल जो बनाना है, जितना जल्दी बना दूंगा उतनी ही जल्दी आगे का काम कर पाऊंगा। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ते जाओ, अगर सब तुम ही कर दोगे तो हम क्या करेंगे? ये सब तो बस ऊपर वाले का कमाल है, समय बहुत बलवान होता है। मंगलू और गणेश को फिर भी ये बात खाई जा रही थी। तब जाकर उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा और चंदन के मेहनत पर पानी फेरने की सोची। अरे वाह चंदन, तुमने तो 6 महीने का काम सिर्फ 2 महीने में ही कर दिया। कल बड़े साहब तुमसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनके सामने तुम्हारी जमकर तारीफ करूंगा। और हाँ, रेड़ी और बजड़ी ज्यादा डालना, पुल बिल्कुल बढ़िया और मजबूत बनना चाहिए। आप उसकी चिंता ना करें, मैं पुल मजबूत और टिकाऊ ही बनाऊंगा, बस आप मुझे कुछ पैसे दे दें, थोड़ी घर में तकलीफ चल रही है। ये भी कोई कहने की बात है, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझसे आकर पैसे ले जाया करो। दूसरे दिन विदेश से पुल की जांच करने के लिए बड़ा अंग्रेज का साहब आ गया
और कहने लगा, वाह, ये फूल मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही बना है, मजा आ गया। अगर आपको शुक्रिया करना ही है तो चंदन का करिए, दिन रात मेहनत करके ये फूल बनाने की कोशिश कर रहा है और अब तक तो मजबूत ही बना है। मैं पहले पूल के अंदर जाकर देखूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। इतना कहकर अंग्रेज जैसे ही पूल में जाता है और जैसे ही वो अपने कदम उस पूल में रखता है तो उसे बिजली का जोर का झटका लगता है। ये कैसी बदतमीजी की है मेरे साथ, बिजली का पूल, ये पूल तो करंट मार रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होता, ये कैसे हो सकता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ, चंदन तुम भी साथ में चलो। जैसे ही चंदन और प्रमुख ठेकेदार उस पूल पर जाते हैं वैसे ही उन्हें भी बिजली का झटका लगता है। ये देखकर अंग्रेज कहता है, ये बिजली का पूल लोगों के किस काम का, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ, आइंदा इस पूल के पास नजर भी मत आना, मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, अब तुम्हारी सरकार मुझे पैसा नहीं देगी इस बिजली के पुल को देखकर। मुझे तो भरोसा भी नहीं हो रहा कि ये बिजली का पुल कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिजली का पुल भी हो सकता है। हमारी जान जाते जाते बच गई और अब तुम ये कह रहे हो, इससे अच्छा तो ये होता कि ये काम मैं उन दोनों नौजवानों को दे देता। चलो जाओ हमारी नजरों से और हमारे सामने आना भी मत, और हाँ तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। चंदन न चाहते हुए भी वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मेहनत से बनाया हुआ पूल अब बिजली का बन चुका था। क्यों चंदन भाई, अब आया ना मजा, जोर का झटका धीरे से लगा या जोर से? लगता है इसे सारी बातें बतानी होंगी। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता, मतलब इसके पीछे तुम्हारी चाल थी, आखिर ऐसा क्या किया तुम लोगों ने जो पूल बिजली का बन गया? चलो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तुम पूल बनाने में बहुत मग्न थे और हमारे पास कोई काम नहीं था तो हम उस काला जादू करने वाली औरत के पास गए। अगर तुम्हें उस चंदन की पूल का सर्वनाश करना है तो उसका चलाया हुआ फावड़ा लेकर आना होगा। उस फावड़े से बने पूल को मेरे तंत्र विद्या से बिजली का बना दूंगी। मुझे आपके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मैं ये फावड़ा आपके पास लेकर आया हूँ। फावड़े के साथ साथ हमने उसके कपड़े, कंघी इत्यादि भी ले लिए थे। मैंने जितना कहा उतना करो, उस फावड़े को इस गोल घेरे में रखो और दूर हट जाओ। गणेश और मंगलू ने उस फावड़े को गोल घेरे में रख दिया और उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उसमें जादू कर दिया। इसी वजह से तुम्हारे पूल में बिजली दौड़ पड़ी। और तो और, कल से हमें उस पूल को बनाने के लिए बुलाया गया है। उनकी बातें सुनकर चंदन मानो टूट सा गया हो, वो दर बदर भटकने लगा और सोचने लगा, मेहनत करूं मैं, फल ले जाए वो, ये सब क्या हो रखा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। उतने में ही चंदन ने देखा कि वहाँ पर भागती हुई एक औरत उसकी तरफ आ रही है। वो और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल तांत्रिक थी, लेकिन चंदन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ साधु और कई महात्मा पड़े हैं, अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे कैद करके कहीं दूर ले जाएंगे। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है, एक काम करो, तुम जाकर उस घने पेड़ और घास के पीछे छुप जाओ, वो आएंगे तो मैं उनका ध्यान भटका दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। चुड़ैल घास में जाकर छुप गई और उन साधुओं से बच गई। सारे साधु चले गए थे तब उस चुड़ैल ने चंदन से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। पहले से ही बेसहारा हूँ, मेरे लिए तुम भला क्या कर लोगी। मैं कुछ समझी नहीं, तुम सारी बात बताओ और मेरी तंत्र विद्या देखो। तब जाकर चंदन ने सारी बात उस चुड़ैल को बताई। चुड़ैल ने सारी बातें सुनी और कहा,
इन सब के पीछे मेरा भी हाथ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चंदन को नौकरी से निकाल देने के बाद मंगलू और गणेश उस पुल पर काम कर रहे थे। पूरे 3 महीने बीत चुके थे, उन्होंने पुल पूरा का पूरा बना दिया था। तब उस चुड़ैल ने जादू किया और चंदन से कहा, इस पुल पर अब जब भी मंगलू और गणेश आएंगे तो ये बिजली का हो जाएगा और खुद का खुद वो सच बोल देंगे। बस इस पुल को मेरा नाम मिल जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ। सारे गांव वाले पुल के उद्घाटन में जमा हुए थे। अंग्रेज उस पुल का उद्घाटन करने ही वाला था कि उसने कहा, मैं इससे पहले भी एक बार पुल में जा चुका हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि उस पुल में मंगलू और गणेश जाएं। ये बात मंगलू और गणेश नहीं समझ पाए और जैसे ही उन्होंने पुल में कदम रखा तो उन्हें बिजली का बहुत जोर का झटका लगा और तब वहाँ पर चंदन और वो चुड़ैल आ गए और उन्होंने कहा, अब से इस पुल में तुम दोनों के अलावा सब जा पाएंगे। तुम दोनों ने इस निर्दोष को कितना सताया है, इसकी सजा ये है कि जब भी तुम गांव से बाहर जाने के लिए इस पुल में कदम रखोगे, ये पुल बिजली का बन जाएगा। उस चुड़ैल और चंदन को देखकर अंग्रेज साहब समझ गया और कहने लगा, आज से ये पुल चंदन के नाम से जाना जाएगा। सारे गांव वालों ने खुशी के मारे चंदन को उठा लिया और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। धोलावीरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। इस गांव में आने जाने के लिए नाव ही एक मार्ग था, जिसकी वजह से गांव वालों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। जब गर्मी में नदी सूख जाती थी तो गांव में ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियां आ जाया करती थी, पर जब नदी वापस भरती तो यातायात ठप हो जाया करता था। क्या कभी इस नदी पर पुल बन पाएगा? बनेगा, जरूर बनेगा अंजलि, सरकार जल्द ही इस नदी पे पुल बनाएगी। कबीर अक्सर सभी को उम्मीद देता। कबीर बहुत ही भला व्यक्ति था, वो लोगों की मदद करता था, वो एक किसान था। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। कबीर और अंजलि गांव वालों की दुआओं से ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर इस गांव में कुलदीप नाम का जमींदार भी रहता था। कुलदीप के पास गांव के ज्यादातर खेत थे, वो अपने खेत किसानों को किराए पर दिया करता था। कुलदीप के पास कई सारे ट्रैक्टर भी थे, वो भी वो किराए पर चलाया करता था। बेटा, इस हफ्ते भी तूने ट्रैक्टर का किराया बढ़ा दिया है, ऐसे ही चलेगा तो हम गरीब किसान कैसे खेती कर पाएंगे बेटा? अरे चाचा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, अगर मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं कैसे कमाऊंगा? पर बेटा, थोड़ा हम गरीबों का भी तो सोचो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे बेटा। आप अपने अनाज को अच्छे दाम में बेचिए, आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। अगर हमने अनाज का दाम बढ़ाया तो इस देश के गरीब भूखों मर जाएंगे बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये लो तुम्हारा किराया, ठीक है बेटा? धन्यवाद चाचा। वो बूढ़ा किसान पैसे देकर चला गया और तभी कुलदीप की पत्नी रानी वहाँ आ गई। तुम गरीब किसानों का किराया कम क्यों नहीं कर देते? अगर मैंने किराया कम कर दिया तो हम कमाएंगे कैसे? वैसे भी इन गरीब किसानों को हमेशा रोते रहने की आदत ही होती है, तुम इन सब चीजों पे अपना ध्यान मत दिया करो। ठीक है रानी, देखो अब इस गांव में हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई भी नहीं है, गांव के आधे खेत हमारे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा गांव हमारा होगा और हमारी नन्ही परी इस गांव की राजकुमारी होगी। भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखें। हाँ बिल्कुल। एक रोज कबीर गांव के पुल की समस्या लेकर शहर के गवर्नमेंट ऑफिस गया। वहाँ उसने अर्जी लिखी और कलेक्टर को गांव की समस्या बताई। ठीक है कबीर, मैं आपकी समस्या सरकार के सामने रखता हूँ, मुझे उम्मीद है जल्द ही आपके ब्रिज का प्रपोजल पास हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बात को कुछ महीने बीते ही थे कि कलेक्टर और उनके कुछ अधिकारी गांव में आए और उन्होंने
घोषणा की। सरकार ने ब्रिज का प्रपोजल पास कर दिया है, अब जल्द ही यहाँ ब्रिज बनेगा। आपके गांव वाले ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भर सकते हैं। टेंडर की बात सुनकर कुलदीप के मन में पैसा बनाने का विचार आया। अगले ही दिन कुलदीप पैसों का बैग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। आपने कल जो टेंडर की बात की थी वो सिर्फ मुझे चाहिए, मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। ये रहा आपका एडवांस। कुलदीप जी, आप ठहरे इतने बड़े आदमी, मैं आपको कहाँ नाराज कर सकता हूँ। ये टेंडर आपको ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। कुलदीप ने कलेक्टर को ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत दे दी थी। एक महीने बाद गांव में खबर फैल गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट कुलदीप को मिला है। गांव वाले जानते थे कि कुलदीप बड़ा ही लालची इंसान है, पर वो था तो इसी गांव का, इसीलिए वो उससे बात करने उसके घर गए। कुलदीप बेटा, हम जानते हैं कि ये ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिला है, इसलिए हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम ईमानदारी से पुल बनाओ बेटा। पुल बनने से हम गरीब गांव वालों का बहुत भला हो जाएगा बेटा। चाचा, मैं ब्रिज बनाऊंगा ही, आप निश्चिंत रहिए। मैं भी तो इसी गांव का हूँ, जल्द ही ब्रिज बन जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुलदीप की ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि जल्द ही ब्रिज बन जाएगा। 6 महीने बीत गए, अब तक ब्रिज का काम शुरू तक नहीं हुआ था। ये देखकर एक बार फिर गांव वाले कुलदीप के पास गए। बेटा, अब तक ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ बेटा। सरकारी काम है, समय तो लगेगा ही ना। निश्चिंत रहिए, ब्रिज बनेगा, बनेगा ब्रिज, जरूर बनेगा। कुलदीप हमेशा गांव वालों को आश्वासन देकर टाल देता था। अब इस घटना को 3 साल बीत चुके थे, गांव में ब्रिज के काम की शुरुआत तक नहीं हुई थी। अब तो गांव वालों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इस बीच कुलदीप की इकलौती बेटी परी बीमार हो गई। कुलदीप परेशान था, उसने डॉक्टर बुलवाया था। आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जल्द ही शहर के हॉस्पिटल ले जाकर इसका ऑपरेशन करना होगा। हाँ हाँ, अभी चलते हैं। कुलदीप ने अपनी बेटी को कार में बिठाया, पर जब वो नदी किनारे पहुंचा, तो नदी में बाढ़ आ चुकी थी। हमें जल्दी उस पार जाना है। अरे भीकू, नाव को नदी में डाल। इस वक्त नदी का बहाव बहुत बहुत ज्यादा तेज है, अगर नदी में नाव डाली तो नाव बह जाएगी और डूबने का खतरा भी है। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मौत के मुंह में है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भगवान, भगवान मेरी मदद करो। तभी कबीर वहां पहुंचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कबीर के ट्रैक्टर में 2 बड़े पेड़ के तने थे। हमें ये पेड़ के तने पुल की तरह लगाने होंगे। गांव वालों ने पेड़ के तनों को इस ओर से उस ओर लगा दिया। कबीर बेटा, ये खतरनाक हो सकता है। फिकर मत कीजिए चाचा जी, मुझे यकीन है मैं ये कर सकता हूँ। आप लोग कार में बैठिए। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुलदीप रानी और उनकी बेटी परी पीछे बैठे थे। कबीर ने धीरे से लकड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाता गया। सभी लोग आश्चर्य से कबीर को देख रहे थे। देखते ही देखते कबीर कार को उस पार ले गया और सीधा हॉस्पिटल ले गया। कुलदीप ने अपनी बेटी परी का ऑपरेशन करवाया और फिर वो कबीर के पास आया। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। मैंने गांव वालों का कभी भला नहीं किया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं वो ब्रिज का काम आज ही शुरू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। कुछ ही दिनों में ब्रिज का काम शुरू हो गया और 2 साल बाद धोलावीरा गांव का ब्रिज बन गया। अब कुलदीप भी पहले जैसा लालची नहीं था, वो भी गरीब गांव वालों की मदद करता था। कबीर ने अपनी अच्छाई से कुलदीप जैसे बुरे आदमी को भी बदल दिया था। गांव वालों का जीवन खुशहाल हो गया। नंदपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। गांव छोटा और पिछड़ा जरूर था, लेकिन वहां के लोग हमेशा खुश रहते। हर छोटी खुशी में अपनी बड़ी खुशी ढूंढ लेते थे। नंदपुर गांव में सबसे ज्यादा किसान रुई की खेती करते थे। गांव के एक तरफ बड़ा सा पहाड़ था और दूसरी तरफ एक नदी, जिस वजह गांव से बाहर जाने के लिए
हमेशा उन्हें पहाड़ों के जोखिम रास्ते से जाना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें और गांव के बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी। माँ, आज मैं स्कूल जाऊंगी ना? आज तुम जरूर स्कूल जाओगी, मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी। हुर्रे, आज मैं स्कूल जाऊंगी। कंचन बिट्टी को लेकर गांव के चौराहे के पास पहुंचती ही है कि वहां उसे गोपाल नजर आता है। अरे बिट्टी को लेकर उस तरफ कहां जा रही हो? बिट्टी को लेकर मैं स्कूल जा रही हूं, पहाड़ के रास्ते से। लगता है तुम्हें पता नहीं, पहाड़ वाले रास्ते को सरपंच साहब ने बंद कर दिया, क्योंकि पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी के सर पर पत्थर गिर जाए तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। यही तो एक रास्ता था जहाँ से हम गांव से बाहर जा सकते थे। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें आज स्कूल भेज कर ही रहूंगी। कंचन बिट्टी को लेकर गांव के नदी के पास पहुंच जाती है, जहाँ उसे बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती हुई नजर आती है। वहाँ वो कैलाश नाव वाले का इंतजार करती है। वही गांव के कई मजदूर पहले से ही कैलाश का इंतजार कर रहे थे। बस बेटा, कैलाश काका आ जाएं, मैं तुम्हें उनके नाव में बिठाकर शहर के रास्ते से स्कूल छोड़ दूंगी। क्या बताऊं कंचन दीदी, ये कैलाश सुबह से नहीं आया है, आधा दिन बीत गया, हमें भी शहर मजदूरी करने जाना है। दूर से कैलाश अपनी नाव लेकर नदी के तट पर आता है और उनसे कहता है, बताओ कौन कौन जाना चाहता है, सबको 100 रुपए में मैं उस तरफ छोड़ दूंगा, आ जाओ सबके सब। 100 रुपए? कल तो सिर्फ 20 थे, आज तुम हमसे 5 गुना ज्यादा क्यों ले रहे हो? इतने में तो पूरे हफ्ते की सब्जी बन जाए मेरे घर में। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, हमारे मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो। मुझे मेरे पति की दवाइयाँ लेने शहर जाना है, थोड़ा तो रहम करो। 100 ले जाने का 100 ले आने का, अगर आना है तो आओ, वरना पहाड़ वाले रास्ते से चले जाओ, अगर वहाँ से गए तो तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। मेरी बिट्टी की स्कूल की 1 महीने की फीस उतनी है जितनी तुम हमें एक बार ले जाने का बोल रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। कैलाश उनकी बातें अनसुनी करके वहाँ से अपनी नाव घुमाने लगा। तब सारे मजदूरों ने कहा, रुक जाओ कैलाश, मेरे दिन की दिहाड़ी है 400 रुपए, अगर यहाँ रुक गया तो कुछ हाथ ना आएगा, इससे अच्छा यही है कि तुम उसका आधा रख लो, कम से कम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से नसीब होगा। उस मजदूर के इतना कहते ही सारी सवारी बिना मन के ही कैलाश के नाव में बैठ गई। लेकिन कंचन के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो बिट्टी को लेकर चौराहे पर आ गई और सरपंच जी को बुलाने लगी। सरपंच जी, सरपंच जी! क्या हुआ, क्यों इतना चीख रही हो? वो कैलाश हम सबको लूट रहा है, आपके होते हुए भी वो ऐसा कर रहा है, क्या ये सब सही है? इतना कहकर कंचन ने अपनी सारी समस्या सरपंच जी से बताई, जिसे सुनकर सरपंच जी बोले, उस कैलाश की इतनी हिम्मत, उसने ऐसा किया, गांव की बहू बेटियों से वो इस तरह पैसा लूट रहा है, उसे गांव आने दो, मैं उसकी खबर लूंगा। माँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी? तुम जरूर स्कूल जाओगी बेटा, चिंता मत करो। कंचन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। सरपंच नाव वाले कैलाश से मिला हुआ था। जैसे ही शाम हुई, सरपंच कैलाश से अपने हक के पैसे लेने चला गया। आ गया मेरा शेर। लेकिन कैलाश, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से अचानक पैसे ना बढ़ा, इकट्ठा ही 100 रुपए कर दिए। इन गांव वालों को हमें अपना ATM बनाना है सरपंच जी, जितना हो सके उतना इनसे पैसे निचोड़ लेने हैं। चल्ला, अब मेरा हिस्सा तो लेकर आ, इसीलिए तो मैंने पहाड़ वाला रास्ता बंद करा दिया। ये लीजिए, पूरे 1000 रुपए हैं, भगवान करे सब ऐसा ही चलता रहे। और ऐसा ही चलता रहा। कैलाश सरपंच के साथ मिलकर गांव वालों को अपने नाव के जरिए लूटता रहा। एक दिन गांव में कुछ सरकारी कर्मचारी एक बड़ी सी नाव लेकर आए। उस बड़ी सी नाव को नदी के किनारे देखते ही सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। लगता है कैलाश ने बड़ी सी नाव ले ली, अगर मुझे पता होता कि नाव के व्यापार में इतना पैसा है तो मैं भी एक नाव ले लेता। यहाँ पर कंचन कौन है, जो पूरे 3 महीने से सरकार को पत्र लिख रही है?
उनसे कह दो सरकार ने सुन ली है और तुम्हारे गांव की समस्या को सुलझाने का फैसला लिया है। मैं यही हूँ, हाँ मैं ही वो महिला थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गई, वरना हमारा इस गांव में रहना दुश्वार हो रहा था। कृपा करके जल्दी से पुल बनवा दीजिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, कई सारे मजदूर मिलकर इस पुल को बना देंगे। आपके गांव से भी कुछ मुस्टंडे चाहिए होंगे हमें इस पुल को बनवाने के लिए। मैं हूँ ना, मैं और मेरे दोस्त आपकी पूरी सहायता करेंगे। सरपंच और कैलाश दोनों इस पुल के बनने के खिलाफ थे और तो और कंचन से भी नफरत करने लगे। अब क्या करें सरपंच जी, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। जितना तुम परेशान हो उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ। कुछ तो हमें सोचना होगा। मेरे पास एक उपाय है। जल्दी बताइए, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? एक बार पुल को बन जाने दो, उससे हम बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन हम बॉम्ब कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, कई साल पहले पहाड़ पर बॉम्ब फोड़कर पहाड़ तोड़ने का सरकार का आदेश था। पहाड़ तो नहीं टूटा लेकिन बॉम्ब रह गया। तब तो हमारा काम हो जाएगा। कल से तुम हमेशा स्कूल टाइम पर जाओगी और वापस भी टाइम पर आओगी। माँ, मुझे तो बस पुल बनने का इंतजार है। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में सरकारी कर्मचारियों ने पुल बनाकर तैयार कर दिया। सारे गांव वाले सो गए थे और पुल के उद्घाटन होने का इंतजार करने लगे। लेकिन सरपंच के कहने से कैलाश ने उस पुल पर बॉम्ब लगा दिया। हट जा कैलाश वहाँ से, मैं इसका बटन दबाने वाला हूँ। कैलाश वहाँ से हट गया। तब सरपंच ने जोर से उस बॉम्ब के दूसरे हिस्से को दबा दिया, लेकिन बॉम्ब का बारूद पुराना और कमजोर होने की वजह से पुल आधा ही टूटा। अब हम क्या करेंगे, ये पुल तो आधा टूटा हुआ है। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। एक काम करो, हमारे पास खेतों में पूरे 10 एकड़ खेत की रुई रखी हुई है, उस रुई को लाकर इस पुल को ढक दो। और कैलाश ने वैसा ही किया। उस टूटे फूटे पुल को बहुत सारी रुई से ढक दिया, जिससे वो पुल टूटा हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। पुल को ढककर दोनों सुबह उस पुल के उद्घाटन समारोह में भी चले गए, ताकि किसी को शक न हो। माँ, सबसे पहले पुल में आज मैं जाऊंगी, आप सब तो हमेशा ही जाने वाले हो। ये भी कोई कहने की बात है, सबसे पहले पुल बिट्टी ही क्रॉस करेगी। बिट्टी और अन्य गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि सीमेंट का पुल अब रुई का पुल बन गया है। बिट्टी खुशी खुशी पुल पर दौड़ते हुए गई और जैसे ही उसने अपना कदम रुई के पुल पर रखा, रुई के कमजोर होने की वजह से बिट्टी पानी में गिर गई। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, माँ! कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे ये कैसा पुल बना दिया है, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ। बिट्टी को नीचे गिरता देख सब दंग रह गए थे। सरपंच और कैलाश मौका देखते ही भागने की फिराक में थे। पूरा गांव वहां खड़ा था, लेकिन बिट्टी को बचाने के लिए नदी में कोई भी नहीं कूदा। उतने में एक बड़े से मछलियों के राजा ने बिट्टी को डूबने से बचा लिया। मछलियों के राजा ने बिट्टी को अपने ऊपर बिठाकर नदी पार कराई और उसे किनारे पर लेकर आया। इन सबके पीछे उस घुसखोर सरपंच और नाव वाले कैलाश का काम है। पहाड़ों को तो पहले से ही तोड़ दिया, अब हमारी इस पवित्र नदी को भी खराब करना चाहते हैं। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इन सब में तुम लोगों की और इस प्यारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। इस वजह से मैं तुम सबको एक वरदान देता हूँ कि ये रुई का पुल अब असली हो जाएगा। कोई भी अभागा व्यक्ति इस पुल से नीचे नहीं गिरेगा, ये मेरा वरदान है। मछलियों का राजा इतना कहकर वहाँ से चला गया। सरपंच और कैलाश को सबने पुलिस के हवाले कर दिया और खुशी खुशी उस रुई के पुल का इस्तेमाल करने लगे। बिट्टी भी अब रुई के पुल से स्कूल जाने लगी।